वेलकम टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में आपको टाइपिंग, इंग्लिश टाइपिंग सिखाने वाली हूँ। तो इसको बोलते हैं होम रो, और इसको बोलते हैं अपर रो, और इसको बोलते हैं लोअर रो, और ये होते हैं नंबर रो। तो ये जो हमारे दोनों हाथ की फिंगर रहती हैं, 10 10 फिंगर को यूज़ नहीं करना है। इस वाले थंब को हमें छोड़ देना है, और इस राइट हैंड वाले थंब का हम यूज़ करेंगे स्पेस के लिए। तो देखिए कैसे यूज़ करना होता है। ASDF, ASDF स्पेस सेमी कॉलम LKJ, फिर स्पेस ASDF स्पेस सेमी कॉलम LKJ। तो इस तरीके से हमारी ये होम रो कंप्लीट हो जाएगी, और इसको हमें कम से कम 4 पेज प्रैक्टिस ज़रूर ही करना है, 1 घंटे सुबह और 1 घंटे शाम को। अगर 1 घंटे से भी ज़्यादा टाइम लगता है 4 पेज आपको टाइप करने में, तो वो भी दीजिए। तो ऐसे अगर आप करेंगे तो आप बहुत ही जल्दी सीख जाएंगे। मैं आपको एक बार और बता रही हूँ कैसे करना है। ASDF स्पेस सेमी कॉलम LKJ, फिर स्पेस 1 2 3 4 5 इधर करेंगे स्पेस पे सेमी कॉलम LKJ। तो मैं आपसे ये कह रही हूँ कि आपको बोल बोल कर टाइपिंग करना है। अगर आप बोल बोल कर टाइपिंग करेंगे तो आपको ये नंबर्स बहुत जल्दी सारे याद हो जाएंगे, लेटर्स। तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट। हेलो स्टूडेंट, अगर आप हमारी वीडियो पर नए आए हों तो वीडियो अगर अच्छी लगती है लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर ही करिए, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं आगे वीडियोस कंटिन्यू करती रहूँ, और आपको इंग्लिश टाइपिंग सिखाने के बाद हिंदी टाइपिंग भी सिखाऊँगी।